तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ता। इसके लिए हमें लौकी लेनी है और उसे ग्रेट कर देना है। उसके बाद लौकी में आपको पहले ही पता है कि इसमें कितना पानी होता है, तो इसको स्क्वीज़ कर लीजिए। अब स्क्वीज़ करने के बाद जो इसे वाटर बचता है उसे फेंकिएगा मत, उसे ग्रेवी में यूज़ कीजिएगा। अब इसके बाद मैं लौकी को एक और बार स्क्वीज़ करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी है। आफ्टर दैट हम इसमें ऐड करेंगे ओनियन, आप एक छोटा ओनियन ले सकते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे जो कोरिएंडर, धनिया, और आप ऐड कर दीजिए 2 ग्रीन चिली। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब ये सब मिक्स करने के बाद बारी आती है जी हमारे स्पाइसेस की। आप मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी भी आप खाते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत हल्दी पाउडर और जो भी स्पाइसेस आप ऐड करना चाहें। मैंने इसमें ग्रीन ये रेड चिली डाली है। उसके बाद थोड़ा बहुत गरम मसाला है और अजवाइन है। अब मैं इसे थोड़ा बहुत मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी आपका बाइंडिंग एजेंट, दैट इज बेसन। मैं यहाँ पे अभी 4 से 5 चम्मच ले रही हूँ, आपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखना है। थोड़ा बेसन और डाला जाएगा। अब लास्ट में ऐड किया जाएगा कि चीज़ सॉल्ट, क्योंकि अगर हम पहले सॉल्ट डालेंगे तो लौकी फिर से अपना पानी छोड़ने लगेगी। इसी के साथ जो हमारा बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके बना देते हैं जी गोले। ये गोले मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, आप चाहें तो इसे छोटे छोटे बना सकते हैं। तो रेडी है जी, अब हम फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं। चलिए तेल गरम हो चुका है, आप मीडियम ही फ्लेम पे इसे रखिएगा। आप इसे मीडियम ही फ्लेम पे पकाएं क्योंकि इसमें बेसन भी है तो ये अच्छी तरह से ही पकना चाहिए।
तो जी हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, इसे हम प्लेट पे रख देते हैं। इसी के साथ बचे हुए कोफ्ते में फ्राई कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम रेडी कर लेते हैं जी अपनी ग्रेवी। ऑयल अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओनियन, मैंने ग्रेट कर लिया था ये भी। आप चाहे किसी छोटे छोटे पीसीस में भी कर सकते हैं या फिर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। ज़्यादा ब्राउन हमने ये करना भी नहीं है। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। चलिए अब बारी आती है हमारे स्पाइसेस की, तो पहले नमक स्वाद अनुसार, इसके बाद मैंने डाली है देगी मिर्च फॉर कलर और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसके बाद मैंने डाला रेड चिली पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा धनिया। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि अपने बारीक कटे हुए टमाटर, एक या दो टमाटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैंने दो का यूज़ किया है। और चम करिएगा वाटर ताकि आपका जो ये टमाटर है उसका पेस्ट बन सके। अब जो है जो हमने लौकी का पानी बचाया था हम उसको इसमें डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाए। तो आई थिंक ये ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं जी अपने कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे।
बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा थोड़ा ग्रेवी भी बन जाए इसमें, और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। तो जब तक ये तैयार होता है चलिए हम खा लेते हैं गोलगप्पे। किसी दिन आपको गोलगप्पे की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो ये हो गए हैं जी हमारे कोफ्ते तैयार। अगर आपको मेरी डिश मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय व्यूअर्स।